जितना हर जगह की सरकार देती उतना करेंगे, लेकिन ये तेजस्वी यादव पद पर आते ही वादा करके मुकर गए। जो एक कहावत है, जो मिलने की तुम कोशिश करना वादा, कभी न करना वादा तो टूट जाता है। क्या बात है, जी हाँ, वादा खिलाफी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने किया था उसके खिलाफ ये लोग अब कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। जी वो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला को हम 50% आरक्षण दिए हैं। हम महिला 2 अक्टूबर 1975 से हमारी बाल विकास परियोजना का स्थापना हुआ था, अरे 100 रुपया बढ़ा रहता था 4800 रुपया रहता है, हमको 4500 रुपया मिल रही है। उस समय 150 रुपया सेविका का था, 150 टीचर का भी था, उस टीचर का 70-75 हजार का महीना हो गया, हम लोग अभी 45। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पर लटके हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, इस बार इस सरकार को हम कुर्सी से उतार फेंकेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार समझ रहे हैं जब भीष्म पितामह है, हमको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इसमें से हमारी सेविका बहन शिखंडी का रूप धारण कर भीष्म पितामह का पतन करेगी। जी सुनिए सरकार, इन लोगों की पुकार, अगर आप किसी मुगालते में पड़े हुए हैं तो आपके इस गुरूर को तोड़ने के लिए ये लोग कमर कस चुकी हैं। ये चंडी का रूप धारण करेंगी, दुर्गा का रूप धारण करेंगी, और चुनाव में आप लोगों ने जो वादा खिलाफी किया है उसमें ये लोग सबक सिखाने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हैं। जी तो यही हम कहते हैं जो हमारी मांग पूरी करे, और नहीं तो फालतू का जो महिला सशक्तिकरण है उसका वो अपना भाषण हटा दे हम लोग के तरफ से, हम अपना स्वतंत्र हम लोग को कर दे। हम लोग नाम के लिए आजाद हैं, हम लोग आजाद हैं नहीं, क्योंकि उनके घर के खुद महिला आजाद नहीं तो हम लोग को क्या आजाद करेंगे। जी बिल्कुल, एक दैनिक मजदूर भी 350-400 रुपये प्रतिदिन कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन एक मजदूर से भी कम इन लोगों को मानदेय दिया जाता है।